टू माय चैनल। और आज ही कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं एक माइक का रिव्यू करने वाला हूँ। और ये माइक मैंने ब्लॉगिंग के लिए खरीदा है, ये है बियर्डो का वायरलेस माइक। और आज इसका देखेंगे टेस्टिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो पे देखा है कि इस माइक का बहुत तारीफ किया गया है। तो सबसे पहले ये है गिनेरो का वायरलेस माइक का बॉक्स, और इसके अंदर हमें मिलता है एक केस जिसके अंदर रिसीवर और ट्रांसमीटर रखा हुआ है। केस की क्वालिटी बोले तो उतना अच्छा नहीं है, ये आपको उतना अच्छा क्वालिटी नहीं देगा। और उसके बाद में है इसके अंदर आपका एक, ये आप आईफोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और ये है USB 2 टाइप सी का केबल, ये इससे आप चार्ज कर सकते हैं। और एक है C2 3.5mm जैक, ठीक है। तो इसमें आपका दो कनेक्टर मिलता है, एक आप आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं और एक आप USB 2 3.5mm जैक के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप कुछ चार्जर नहीं मिलता है, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो आइए अब इस माइक को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इस माइक की क्वालिटी कैसी है और इसका वॉइस ओवर कैसा आता है। तो फिलहाल मैंने रिसीवर को मोबाइल में कनेक्ट कर दिया है और ये है गिनेरो का माइक। अब मैं ये माइक को ऑन करने वाला हूँ और कनेक्ट करने वाला हूँ, उसके बाद बताऊँगा आप लोगों को इसका रिव्यू। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो आवाज़ आ रहा था, अभी ये मेरे एयरपोर्ट से आ रहा था, मैंने जब तक इस माइक को कनेक्ट नहीं किया था मैं ये एयरपोर्ट्स को यूज़ कर रहा था। तो अब मैं इसे इस केस में रख देता हूँ और फिर कनेक्ट करता हूँ इस माइक को। तो फिलहाल अभी ये इसका फर्स्ट मोड है और फर्स्ट मोड पे इसकी क्वालिटी ऑडियो की कैसी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है बोल, अब क्या हो गया, वीडियो में बोल रहा था अब बोल। तो ये है इसका फर्स्ट मोड और इसमें तीन मोड आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फिलहाल अभी हम लोग है फर्स्ट मोड पे। अब सेकंड मोड पे जाने के लिए यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को दो बार क्लिक करना पड़ेगा। दो बार क्लिक करेंगे तो ब्लिंक दो बार होगा, इसका मतलब आप लोगों को जान लेना पड़ेगा कि ये सेकेंड मोड पर है। तो फिलहाल ये सेकेंड मोड पर है और सेकेंड मोड पर इसकी क्वालिटी कैसी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और देखते हैं इसका बैकग्राउंड नॉइज़ कैसा आ रहा है। तो फिलहाल अभी ये सेकंड मोड पे है, अब सेकंड मोड से हम लोग बाहर आते हैं फिर बताइएगा कि इसका बैकग्राउंड नॉइज़ कैसा है। तो फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट मोड पे वापस आ चुके हैं और इसका बैकग्राउंड नॉइज़ कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब अगर आपको इसे म्यूट करना है तो आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं। म्यूट करने के लिए आपको यही बटन आपको दो बार क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन दो बार आपको फास्ट मोड पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक क्लिक। तो क्लिक क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा और म्यूट करने के बाद में क्या है, ये लाइट जो इसमें ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक होते रहेगा। तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये म्यूट हो चुका है और फिर आपको अनम्यूट करने के लिए दो बार इसे फिर क्लिक करना पड़ेगा तो आप अनम्यूट कर लेंगे। तो अब इसका थर्ड लेवल पर लेके जाते हैं आप लोगों को। फिलहाल अभी ये थर्ड मोड पर है और थर्ड मोड पर इसने कितना वॉइस रिड्यूस किया है आप लोग खुद बताएँ। और अब इसका डिस्टेंस चेक करते हैं कितनी दूरी तक इस ये रिकॉर्ड कर सकता है। तो देखते हैं कितनी दूरी तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ तक अगर मेरा वॉइस आ रहा है तो सही है। तो फिलहाल मैं अपने फ़ोन से काफ़ी दूर पे हूँ और मेरा वॉइस अभी कैसा आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा वॉइस रिकॉर्ड हुआ कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। तो फिलहाल मैं अभी काफ़ी दूर पे हूँ और मेरा वॉइस कैसा आ रहा है वो बताएं। और अभी मैं थर्ड लेवल से बाहर आ जाता हूँ। तो ये मैं थर्ड लेवल से बाहर आ चुका हूँ और अभी मेरा वॉइस कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अब इसका एक और लेवल है जिसे एको मोड भी कहते हैं। उस एको मोड में जाने के लिए आपको इसे 3 बार विद इन अ सेकेंड क्लिक करना पड़ेगा, तो आप उसे एको मोड पे ले जा सकते हैं। और एको मोड पे जब जाओगे तो आप लोगों को एक रेड लाइट ब्लिंक और फिर ग्रीन लाइट आ जाएगा। तो इसे अब एको मोड पे ले जाके देखते हैं कैसा आता है। तो तो फिलहाल अभी फिलहाल ये अभी एको एको मोड मोड पे पे है। है, तो तो एक एक शायरी शायरी एको एको मोड मोड पे, पे तो है, मंजिल मंजिल उन्हीं उन्हीं को को मिलती मिलती है है जिनके जिनके सपनों सपनों में में जान जान होती होती है। है, मंजिल मंजिल उन्हीं उन्हीं को को मिलती मिलती है है जिनके जिनके सपनों सपनों में में जान जान होती होती है। है, अरे अरे पंखों पंखों से से कुछ कुछ नहीं नहीं होता, होता, हौसलों हौसलों से से उड़ान उड़ान होती होती है। है। तो तो ये ये है है इसका इसका एको एको मोड। मोड। और और एको एको मोड मोड से से हम हम लोग लोग अभी अभी बाहर बाहर आएंगे। आएंगे। एको एको मोड मोड से से बाहर बाहर आने आने के के लिए लिए फिर फिर वही वही 3 बार3 बार क्लिक क्लिक विद विद इन इन अ अ सेकेंड। सेकेंड। तो एको मोड से हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो एक बात है, अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो। अगर आप किसी भी क्रिएटर का वीडियो देख रहे हैं तो उसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करता है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में। वो अकेला रिकॉर्ड करता है या फिर किसी के साथ भी रिकॉर्ड करता है, मेहनत लगती है हर चीज़ में। तो एक लाइक करके ज़रूर चल जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को ला सकूं। अगर मैं कुछ भी लेता हूं तो उसका रिव्यू भी आप लोग को बताऊंगा एकदम डिटो। कोई भी पेड रिव्यू नहीं रहेगा कि ये चीज़ आप लोग को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अभी अभी आप क्वालिटी देख के आप लोग खुद जज कीजिए कि आप लोग को ये लेना है कि नहीं। और अभी मैं इसका थर्ड मोड पे था, तो मैं अभी इसका थर्ड मोड ऑफ कर देता हूँ। और इसकी क्वालिटी कैसी है आप लोग खुद ये वीडियो देख के ही पता लगा सकेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। यार बहुत देर लग गया, काफ़ी टाइम लग गया ये वीडियो को बनाने में और इस वीडियो को शूट करने में, क्योंकि मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ तो कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग को एक वायरलेस माइक चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले इसका मोड समझना पड़ेगा, आप कौन से मोड पे हो, कौन से मोड पे आपने इसे केस में रखा था, सारा मोड आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप, क्योंकि मुझे ये परेशानी हो रही है, मैंने जस्ट अभी एक दिन ही हुआ है इसे लिया हुआ, कल इसकी डिलीवरी थी, मैंने इसका शॉर्ट डाला था, उसके बाद में मैं आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ। एक बात है, ये कोई टेक चैनल नहीं है, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। मैं इसे अपने व्लॉगिंग चैनल के लिए मैंने इसे लिया था। फ़ोन फ़ोन से काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता था, और मैं उसके बाद में मैं एयरपॉड से रिकॉर्ड करता था, और एक माइक था मेरे पास में बोया का, तो वो टूट चुका था। तो मैं एक वायरलेस में शिफ्ट होना चाहता था। उसका रिव्यू मैंने काफ़ी चैनल पे देखा, उसके बाद में मैंने इसे परचेज़ किया, लेकिन किसी भी चैनल पे ये नहीं बताया गया था आपको ऐसा ऐसा परेशानी मिलेगा इस माइक को लेने के बाद में। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, ऐसा इसमें परेशानी है। अगर आप ये माइक लेते हैं तो आपका सर दर्द एक रहेगा कि कौन से मोड पे आप हो, कौन से मोड पे आपको रहना है, तो ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस माइक को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से इस माइक को यूज़ करना आ जाएगा तो डेफ़िनेटली ये माइक बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा साउंड रिकॉर्ड करता है, काफ़ी दूर तक साउंड रिकॉर्ड कर सकता है ये माइक। तो बस अभी के लिए इतना ही, और अगला आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी मेरा व्लॉग मिलेगा, वो इसी माइक से मैं रिकॉर्ड करूँगा और इसी माइक से मैं व्लॉगिंग करूँगा। तो आप लोग उसकी वॉइस क्वालिटी भी बता दीजिएगा कि कैसा है। और हाँ, एक बात और है, अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, तो जैसे मैंने माइक से एक क्वालिटी मैंने इंक्रीज़ किया ऑडियो का, वैसे मैं अपना वीडियो का भी क्वालिटी इंक्रीज़ करूँगा अपना फ़ोन को चेंज करके। या तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत जल्दी मैं अपना कैमरा को भी चेंज कर लूँगा और एक अच्छा क्वालिटी आप लोग को दूँगा, एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो भी आप लोगों के पास पहुँचेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इस हाथ पे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। बस क्योंकि मुझे पता है कि बाहर आप लोगों को सपोर्ट मिले ना मिले, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, हर लोग हर किसी को सपोर्ट करते हैं। कहीं से आप लोगों को सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन यूट्यूब से आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब जो जो चलाते हैं वो हर किसी को सपोर्ट करते हैं। मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग पर।